लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हमेशा एक गोल सेट करके एक प्लान्ड वे में उसे अचीव करना होता है, बिकॉज प्लान्ड वेज आर ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। उसी तरह लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स भी एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से पूरे हो सकते हैं। हाय एवरीवन, मायसेल्फ निशांत बराया, अ बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अ बिजनेस कोच, अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर एंड इन्वेस्टमेंट मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को कैसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। बिफोर आई बिगिन, इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट आपको आने वाले सारे वीडियोस के लिए इमीडिएट नोटिफिकेशन चला जाए। अ क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, आप में से कितने लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? प्लीज मेंशन बाय स्टेटिंग यस और नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इस फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को हम 3 डिफरेंट लेग्स में समझते हैं। द फर्स्ट लेग इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आपका जो भी पैसा 1 साल से कम के ऑब्जेक्टिव के लिए है, उसे आप इस कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ आपका पर्पस कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो सकता है, बिकॉज इतने छोटे टाइम में आप रिटर्न्स नहीं बना सकते हैं। यहाँ आपका पर्सपेक्टिव है कि आपका पैसा सेफली इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर वो पैसा 3.5% पे सेविंग में रखा हुआ है या 0% पे करंट अकाउंट में रखा हुआ है, तो आप उस पैसे से अब ऑलमोस्ट 7% के आसपास का रिटर्न बना सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे शॉर्ट टर्म FD, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड। इनके थ्रू आप बिल्कुल सेफ जगह इन्वेस्ट करके और अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन रख के शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स बना सकते हैं। नाउ वी कम टू सेकेंड लेग, विच इज अ मीडियम टर्म प्लानिंग। इस प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कैपिटल अप्रिसिएशन, कि आप 100 रुपए डालें और जब आप निकालें तो एटलीस्ट 150-200 रुपए बन के निकले। ये प्लान यूजुअली आप 1 से 5 साल के होराइजन के लिए करते हैं। यहां कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? यहां आप डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको फिक्स इनकम FDs या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको डायरेक्ट इक्विटीज या म्यूचुअल फंड का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, जिसमें हाइब्रिड फंड्स भी हों, इंडेक्स फंड्स भी हों, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, सारे कैटेगरीज के फंड्स हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 से 5 साल में आप एक अच्छी कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं विद कैपिटल अप्रिसिएशन। देन वी कम टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑलवेज हैपेंस विद सम पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाना, ये सब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके लिए आपको एक बड़ी वेल्थ और कॉर्पस की जरूरत है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यू इन्वेस्ट इनटू एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म कॉर्पस फॉर यू। लाइक डायरेक्ट इक्विटीज में आप एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद ऑल ड्यू डिलिजेंस। आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIPs करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही आप रियल एस्टेट में भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा एसेट बिल्डअप कर सकते हैं। ये एसेट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के काम आएगी। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में पैसे को काम पे लगा के अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। बिलीव यू मी, इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो अगर आप टाइम देते हैं, आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कॉर्पस बना सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एक 10,000 रुपए की SIP अगर आप 25 साल तक लगातार करते हैं विद 15% ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिटर्न्स ऑफ इक्विटी मार्केट्स, आप ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ की एक कॉर्पस खड़ी कर लेते हैं। इस तरह से आप लंबे टाइम इन्वेस्ट करके अपने सारे गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सो पैसे को काम पे लगाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग को समझ के उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपका पर्पस 6 महीने का है, यू कैन नॉट गेट इन टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एंड लाइकवाइज, अगर आपका पर्पस 15 साल में रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने का है, देन यू कैन नॉट पुट दैट मनी इनटू शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सो अलग अलग प्लानिंग को समझ के उस अकॉर्डिंग आप पैसे को इन्वेस्ट करें, एंड पैसा विल मेक ऑप्टिमम रिटर्न्स फॉर यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू एवरीवन। और इस पूरे कॉन्टेंट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, कंसर्न्स हो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल द बेस्ट।